ये खून नाड़ियों में चले ना कि ये नालियों में बहे। साथ समझी प्यार से कहना धन्यवाद। A new month and a new opportunity to share the news from the divine world of Sant Nirankari Mission. Welcoming all our esteemed viewers, this is Rakesh from the Nirankari Studio, Delhi. Namaskar, Dhan Nirankar. Kadli Sip Bhujangamukh, Swati Ek Gunateen, Jaisi Sangat Kijiye, Vaisa Hi Phaldeen. Jiha Mitro, Manushya Jis Prakar Ka Sang Karta Hai, वैसा ही रंग उसके मन पर, शब्दों में और चरित्र पर भी चढ़ जाता है। और हम सभी भक्तों का सौभाग्य है कि सद्गुरु की कृपा से हमें निरंतर सत्संग मिलता रहता है। इसी संघ का एक विशाल उत्सव हर वर्ष निरंकारी संत समागम के रूप में दिल्ली के बुराड़ी स्थित विशाल मैदानों में आयोजित होता है। इस श्रृंखला का 70वां सोपान इस वर्ष नवंबर की 18, 19 और 20 तारीख को आयोजित हो रहा है। वार्षिक समागम का एक और खूबसूरत पहलू होता है समागम सेवा, जो समागम के एक डेढ़ महीना पहले ही प्रारंभ हो जाती है। इस सेवा में देश के अनेक शहरों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर समागम स्थल का रूप सजाते हैं उन लाखों संतों के लिए जो इस समागम पर आने वाले हैं। इस वर्ष के समागम की सेवा प्रारंभ हो चुकी है, जिसके कुछ दृश्य हम आपको अपने न्यूज़ डिवाइन के इस अंक में दिखाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हर बार की तरह मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। दिव्य वाणी, सतगुरु आशीष, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात और अन्य समाचार। और अब समाचार विस्तार से। दोस्तों, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने प्रवचनों के रूप में जो दिव्य आशीर्वाद समस्त मानवता को प्रदान किए, उनमें मिशन के मूल सिद्धांतों की महक तो होती ही थी, परंतु साथ ही सामयिक परिवेश में एक व्यवहारिक स्तर पर आध्यात्म को जीने की, उसे परिलक्षित करने की प्रेरणा भी समाहित होती थी। तो आइए सुनते हैं बाबा हरदेव सिंह जी के उन दिव्य वचनों को जो उन्होंने अपने भक्तों को शिक्षा रूप में प्रदान किए अपने पहले सेक्शन दिव्य वाणी में। दातार जितनी मर्जी शौहरत दे, दातार जितनी मर्जी दौलत दे, दातार दुनियावी जितनी मर्जी ऊंचाइयां प्रदान कर, लेकिन धूल हम संतों की चरणों की ही बने रहें। इसी में ही असल ऊंचाई है हमारी। वो शौहरतें तो ऊंचाई नहीं प्रदान कर पाती हैं, दुनियावी दृष्टि से होती होगी। अगर दुनियावी दृष्टि से ही देखें कि शौहरत मिली, लेकिन अगर विनम्रता साथ बनी रहती है तो वो शौहरत भी कायम रहती है। इधर निम्रता छोड़ दें, उधर शौहरत भी, वो भी डाइल्यूट हो जाती है। तो इसलिए निम्रता हमारी बनी रहे, सत्कार का भाव हमेशा हमारा बना रहे और हम छोटी छोटी बातों से ऊपर उठे। जैसे वो कहावत है कि छोटी छोटी बातें मनों में रखने के कारण बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, कि एक छोटी छोटी बातें हमारे बड़े रिश्ते को कमज़ोर कर देते हैं। सामाजिक रिश्तों को तो करते ही हैं, लेकिन गुरमुखताई में तो और ज़्यादा नुकसान करने वाले होते हैं, और ज़्यादा ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बात छोटी सी होती है, लेकिन उसको बड़ा बनाने वाली जो प्रवृत्ति होती है, वो वास्तविकता में बहुत बड़ी हानि का कारण बनती है। दिव्यवाणी। मित्रों, जिस तरह बाबा हरदेव सिंह जी वर्ष भर जगह जगह जाकर अपने भक्तों को अपने आशीर्वादों से निहाल किया करते थे, उसी लड़ी को सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, सत्य का संदेश मानव मात्र को पहुंचाकर।
सितंबर के महीने में भी होने वाले सत्संग कार्यक्रमों में सदगुरु माता जी ने पहुंचकर सभी को अपना पावन आशीर्वाद प्रदान किया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में अपने अगले सेक्शन में, जिसका नाम है सदगुरु आशीष। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज मानव कल्याण के पथ पर चलते हुए मानवता को निरंतर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं तथा बाबा जी की शिक्षाओं को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से बाबा जी हर भक्त को प्यार देते थे, इसी प्रकार सदगुरु माता जी भी अपने भक्तों को स्नेह एवं सच से जुड़े रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। सदगुरु माता जी की ममता मई छाया भक्तों की भक्ति भावना को दृढ़ता प्रदान कर रही है, जिससे आध्यात्मिकता की धारा को गति मिल रही है। सितंबर के महीने में भी दिल्ली के बुराड़ी रोड के नजदीक ग्राउंड नंबर 8 में लगभग प्रत्येक रविवार को सदगुरु माता जी की पावन कृपा भक्तों पर बरसती रही। 3 सितंबर रविवार को सदगुरु माता जी की छत्र छाया में सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में दिल्ली के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी भरपूर संख्या में भक्तों का आगमन हुआ। पंक्तियों में अनुशासनबद्ध तरीके से भक्तों ने सदगुरु माता जी को नमस्कार किया। भक्ति भरे वातावरण में गीत, विचार और कविताओं के माध्यम से देर तक सत्य का संदेश दिया जाता रहा। सत्संग समाप्ति के पूर्व सदगुरु माता जी ने अपने संबोधन में स्वयं के सुधार से ही दुनिया के सुधरने की प्रेरणा देते हुए कहा, सत्संग जी जो वर्क फॉर अ कॉज नॉट फॉर अप्लॉज वाली भावना हमें बाबा जी ने हमेशा सिखाई, निरंकार कृपा करे इस भावना के साथ हम आगे बढ़ चढ़ के सारी दुनिया को सवार पाएँ। अपना जीवन तो सवारे ही, सारी दुनिया को सवार पाएँ, एक सुधार लेके आ पाएँ, और जैसा बाबा जी ने मिशन चाहा हम वैसा मिशन बना पाएं। इसी प्रकार 10 सितंबर को भी आयोजित रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में भी भक्तों को सदगुरु माता जी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। अपने सदगुरु के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु बच्चे, युवा और बुजुर्ग भक्त इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर भक्तों को अपने हृदय के भाव सदगुरु माता जी तथा साध संगत के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। तेरी मेहर वरस दिए, तेरी मेहर वरस दिए, किस्मत दे मारे आते, तेरे बेड़िया ने लोने जगनू किनारे आते। सत्संग कार्यक्रम में सदगुरु माता जी के पावन मुखड़े से अपार दिव्यता झलक रही थी तथा अपने सद्गुरु के दर्शन पाकर भक्त जनों के हृदय में उठते आत्मसंतोष के भाव चेहरों पर परिलक्षित हो रहे थे। सभी के हृदय के उद्गार श्रवण करने के उपरांत अंत में सद्गुरु माता जी की भरपूर कृपा प्राप्त हुई। सितंबर के ही महीने में 17 तारीख को भी सद्गुरु माता जी की छत्र छाया में ग्राउंड नंबर 8 में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नमस्कार की लंबी लंबी कतारों में दूर दूर से आए भक्तजन ममतामयी माँ के चरणों में झुककर आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। भक्तिपूर्ण वातावरण में श्रद्धालु भक्त देर तक रूहानी आनंद उठाते रहे। यहाँ पर सदगुरु माता जी ने कहा, एक वो महापुरुषों की लाइन सुनी, अक्ल को जो हथियार समझते हैं वो दूसरों को जख्म ही देते हैं। सारे मसले हल हो जाएंगे अक्ल को जो औजार बना लें। नंकार से यही अरदास करें कि हमेशा प्यार प्रीत नम्रता वाले फैलाने वाले औजार ही बने रहें, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दाई पीस ही बने रहें, सेवा समरण सत्संग के साथ जोड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, सबको जोड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट्स ही बने रहें। सत्संग जी शरीर को महकाने के लिए तो अगर हम हफ्ता 10 दिन ना भी नहाएं और परफ्यूम 4-5 बार दिन में लगा लें, हम शरीर को महका लेंगे पर अपने कर्म, बोल और बिहेवियर को महकाने के लिए निरंकार के साथ जुड़ना, सेवा सिमरन सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ डिवाइन में आगे बढ़ने से पहले उन दिव्य पलों का दर्शन करते हैं जिनकी प्रतीक्षा निरंकारी भक्तों को सारा वर्ष रहती है। जी हाँ, समागम सेवा के शुभारंभ के साथ ही
उस विशाल आध्यात्मिक महासम्मेलन की रूपरेखा तैयार होने लग जाती है जिसका उद्देश्य जन जन को अपने मूल के साथ जुड़ने की प्रेरणा देना होता है। 8 अक्टूबर को बुराड़ी रोड स्थित समागम ग्राउंड में 70वें समागम की सेवा का उद्घाटन सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के पावन कर कमलों द्वारा हुआ, जिसमें दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों से आई संगतों ने हजारों की संख्या में भाग लिया। सभी को सदगुरु माता जी ने अपना भरपूर प्यार व आशीर्वाद प्रदान कर कृतार्थ किया। साथ संगत जी, आज विधि अनुसार समागम सेवा का इनॉग्रेशन हुआ, आप सबने देखा। हालांकि पिछले हफ्ते भी कुछ स्थानों पे ग्राउंड्स के जाने का मौका मिला, वहाँ महापुरुष अनेकों स्थानों पे सेवा कर रहे थे। साथ संगत जी, सेवा करते वक्त हम ये ना भूलें, हमने मिलजुल के जो हमें आदेश आ रहा है उस आदेश को मान के सेवा करनी है। और इस सेवा का इंतज़ार सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दूर देशों से भी अनेकों महापुरुष सेवा के लिए जब जितना टाइम निकाल सकते हैं आ जाते हैं और मिलजुल के सेवा करते हैं। और साथ संगत जी, मिलजुल के सेवा करेंगे तभी हर कार्य ठीक तरीके से हो पाएगा। और साथ संगत जी, सेवा करते वक्त निरंकार से यही अरदास है कि हम ये ना भूलें कि जितने भी महापुरुष हैं ये निरंकार प्रभु का रूप हैं, संत हैं, भक्त हैं, महापुरुष हैं। इसलिए हमसे कभी किसी का निरादर ना हो, हमने सबका सम्मान करना है और एक एक व्यक्ति के साथ विनम्रता भाव से पेश आना है। समागम सेवा की विस्तृत रिपोर्ट हम आपको न्यूज़ डिवाइन के अगले अंक में दिखाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक लघु विराम। कई लोग श्याम साहब ही कहते थे कि मेरे को जो वडियाई जो मान मिलता है मैं वो सारा का सारा संगत और मान लेता हूँ। भक्त के दरबार में माया रहे खजूर, जैसे गाला राज को भर भर दे खजूर। भक्त के दरबार में कमी कौ की ना है, बंदा बहुत जा पाव की दुख चाकरी वाए। कौन दुनिया है चलने फिरती दवा को पे अंदर YouTube पोर्टल पे जाएं और संत निरंकारी मिशन की तलाश करें। संत निरंकारी मिशन लिंक पर क्लिक करें और स्क्रीन के दाएं ओर ऊपर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वेलकम बैक व्यूअर्स। वेल, द 70th एनुअल समागम इज अप्रोचिंग and each one of us in India and abroad is ready to be a part of this incredible experience. Devotees from all over the globe have started making preparations to be here during the Samagam. But that does not deter them to continue spreading the message of the mission through the socio-spiritual initiatives in their respective countries. Here is a look at various activities of the international branches of the mission in our section, Mission Overseas. The SNM volunteers of the Toronto branch participated in a cleanliness drive on the 23rd of September 2017. Cleaning a 5-kilometer stretch in Brampton, Ontario, the members of the mission inspire the local community as they have already been doing with many other contributions for many years now. The volunteers of SNM USA participated in an NGO expo held in New York, USA in the month of September 2017. The volunteers exhibited and explained about the initiatives and activities of the SNF to the visitors. Many noted personalities visited the expo, appreciating the efforts of SNCF. The three realms of SNCF, heal, enrich, and empower, were explained in detail to the visitors.
Other participating NGOs and CSR initiatives shared novel ways of mutual collaboration for an improved and more effective outreach for the welfare of the needy. Sant Nirankari jo charitable foundation hai ye internationally known organization aapka hai aur ye jo aap philanthropy karte hain charity karte hain manavta ki seva karte hain aur logon ke swasthya ke bare mein to ye aapka all over known hai ye और लोगों को इससे कितनी सुविधा मिली है लाखों लाख लोगों को सुविधा मिल रही है तो ये है ना कि ईश्वर ने गॉड हैज हेल्प यू टू हेल्प समवन तो ये इससे अच्छे अच्छा दूसरा कुछ हो नहीं सकता है आई एम रियली ग्लैड दैट आई केम हियर एंड आई एम टॉकिंग एंड आई एम मीटिंग अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल नॉन प्रॉफिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हु आर एक्चुअली वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग द चेंज इन द सोसाइटी व्हिच इज इनक्रेडिबल सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर निरंकारी मिशन के विदेशों में हो रहे प्रचार प्रसार के समाचारों के बाद आइए जानते हैं SNCF यानी संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे अनेक प्रयासों का ब्यौरा अपने अगले सेगमेंट SNCF डायरी में समाज कल्याण के लिए जहां निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक क्रांति के रूप में अंथक कार्य कर रहा है वहीं मिशन अपने सामाजिक दायित्वों से भी बाखूबी परिचित है इसी के मद्देनजर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की अध्यक्षता में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की गई जो निरंतर सदगुरु के विजन को पूरा करने में कार्यरत है सदगुरु माता जी की रहनुमाई में सितंबर माह में भी SNCF द्वारा अनेकों मानव कल्याण के कार्य किए गए सितंबर माह में अनेक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया देश के विभिन्न स्थानों पर जिनमें प्रमुख स्थान रहे देहरादून जयपुर गुरुग्राम चंडीगढ़ कठुआ जम्मू पुणे व श्रीनगर आदि इसी के साथ साथ दिल्ली और सोनीपत में भी इन शिविरों का आयोजन किया गया एक जागरूकता रैली के माध्यम से भी परोपकार के संदेश को जन जन तक पहुंचाया गया 3 सितंबर को SNCF द्वारा वर्ली मुंबई में निःशुल्क आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया जिसका लाभ वहां के स्थानीय लोगों ने उठाया 5 सितंबर को दरभंगा बिहार में एक बाढ़ राहत सेवा शिविर लगाया गया जहां पर खाद्य सामग्री का वितरण कर बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान की गई 10 सितंबर को मध्य प्रदेश के बैरागढ़ इलाके में SNCF वॉलंटियर्स द्वारा प्याऊ लगाकर मानव मात्र की सेवा का एक और प्रयास किया गया सितंबर के महीने में ही देश के विभिन्न शहरों में क्लेनलीनेस ड्राइव्स यानी स्वच्छता अभियान भी चलाया गया 15 सितंबर और 25 सितंबर को चंडीगढ़ में सफाई अभियान चलाया गया इसी लड़ी में 17 सितंबर को निरंकारी सरोवर बुराड़ी रोड पर भी ऐसी ही एक क्लेनलीनेस ड्राइव का आयोजन किया गया सितंबर महीने में ही SNCF के अनेक वॉलंटियर्स द्वारा विशाल स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए टाइम्स ऑफ इंडिया और हीरो मोटर ग्रुप के साथ मिलकर SNCF द्वारा देश के अनेक स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित हुए 4 सितंबर को इंदौर के धार रोड पर मिशन के 18,000 वॉलंटियर्स जिनमें SNCF के वॉलंटियर्स और संत निरंकारी सेवा दल के महात्माओं ने मिलकर 65,000 पौधे लगाए इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 24 सितंबर को तुगलकाबाद स्थित बायोडाइवर्सिटी पार्क एवं माँ आनंदमय आश्रम में भी ये प्लांटेशन ड्राइव आयोजित की गई जिसमें लगभग 10,000 SNCF तथा मिशन के सेवादारों द्वारा मिलकर 60,000 पौधे लगाए गए इस अवसर पर SNCF के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बहन बिंदिया छाबड़ा जी का भी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा आभार प्रकट किया गया इसी के साथ वहां मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी मिशन के इस अंतक प्रयास की सराहना की टुडे वी हैव बीन पार्टिसिपेटिंग विद टाइम्स ऑफ इंडिया in a mega tree plantation drive and we have got Shri Amitabh Bhatnagar ji who is a vice president of Times of India group hamara 3 saal ka jo hamara experience raha hai with Nirankari Sangh coming in our survival rate is extremely high it is more than 80-85% which is a very very good figure is saal hum koshish karenge isko aur badhane ka jo seva bhav Nirankari Sangh ne dikhaya aur main Indore mein khud us din available tha kareeb 15,000 to 20,000 volunteers ne ek जगह जो कि करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर थी सिटी से वहाँ पे आके बारिश हो रही थी और उसमें आके पूरे एरिया को उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर करीब 60,000 पेड़ लगा के दिए ये सेवा भाव आई थिंक इज़ अनपैरेलल्ड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ ड्राइव्स व्हिच आई हैव सीन इन द लास्ट
few years, but this kind of a passion jo ki Nirankari Sangh leke aaya hai is unparalleled, and I would really really thankful to the Sant Nirankari Charitable Foundation. We have Dr. Fayaz. He's a scientist from this Tughlaqabad Biodiversity Park. Let's find out from him what's his experience on this mega tree plantation drive. This initiative is a huge initiative, there is no doubt in it, and the association with Nirankari group is another wonderful experience for us. One thing I could gather, understand and experience from the mass gathering from Nirankaris, they are very experienced hand. Once you suggest something, they do like an expert. And that is most important to understand, that how many plants you plant and how many plants you save. When you plant a sapling with all cares, only then this sapling survives, and which we found from Nirankaris. So they are excellent, well-trained volunteers. They do miracle on this earth. इस अवसर पर मौजूद SNCF की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बहन बिलिया छाबड़ा जी ने सभी का आभार व्यक्त किया। ड्राइव के साथ हम जुड़े हुए हैं और ड्राइव कर रहे हैं, और बाबा हरदेव सिंह जी जो फर्स्ट ड्राइव हुई थी कहाँ मौजूद थे, तो ये उनका ही सारा जो उत्साह था, जो उन्होंने हमें सिखाया कि हमें दुनिया के लिए जीना है, मानवता के लिए जीना है, जैसे भी हो सके हमें, जहाँ पर भी ज़रूरत है मानवता की, हमें आगे आना है अपनी सर्विसेज देने के लिए, उसी भावना से ये जो सन निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन आज भी पार्टिसिपेट कर रही है। इसी लड़ी में 8 सितंबर को गाजियाबाद में भी ऐसा ही एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। वहीं 23 सितंबर को चंडीगढ़ में भी सेवा दल के महात्माओं एवं SNCF वॉलंटियर्स ने प्लांटेशन ड्राइव में भाग लेकर सदगुरु माता जी के आशीर्वाद प्राप्त किए। After a glance into the social contributions of the mission, it is now our turn to present to you an excerpt from the interview with a noted personality who is going to share the views about the mission and its ideology in our section, Ek Khas Mulaqat. We are now in conversation with Mr. Amit Sachdeva, who is from Live Week. Mr. Sachdeva, in these 2 days, you had a very close association with SNCF and the Sant Nirankari Mission, and you're familiar with SNCF from prior experiences also from Mumbai also, I believe. Yes. What is your experience as far as, you know, working with SNCF and the relationship that you've been able to establish? My association goes with the Sant Charitable Nirankari Charitable Organization way long back. The organization is supporting to take my initiative forward, and I have a great experience in these 2 days. The volunteers and people who are attached with Sant Nirankari Charitable Foundation, I would rather say without their support I could not do it. They helped us so much, they were all around, and it's like a family to me, and I am with them for life. That is beautiful. We really, really look forward to that relationship for life, because you know, when love unites, when truth comes together, it truly is a very beautiful relationship. Absolutely, because you know what I believe, the kind of message your organization is doing, spreading spirituality, connecting people, you are connecting people not from the outside world, you are connecting people from the inside, because once they are connected inside, they are connected everywhere, because we are connected to this universe, we are part of it. But unless we are connected from inside, we cannot really connect with outside, we cannot have compassion. So organization is doing great job, and so many people doing so much of good. You are, you know, inspiring them, and I would say it's the blessing of Babaji that today we are here doing so much of good, and because of you know, people like him, we still are strong on our values, on our system. So I think great work you guys are doing. Thank you so much, Mr. Sachdeva. I think, you know, with your views, with you know, what Sadhguru Baba Hardev Singh Ji has taught us and what Sadhguru Mata Ji is teaching us today, together I am positive that we will be able to make a difference. Thank you very much for inviting me. Thank you.
एक खास मुलाकात के बाद रुख करते हैं अपने अगले सेक्शन यानी अदर न्यूज का। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। संत निरंकारी मिशन के प्रचार प्रसार हेतु मिशन के प्रचार विभाग की ओर से समय समय पर अनेक समागम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में जहां राज्यों में स्थानीय भाषाओं में समागम होते हैं, उसी लड़ी के अंतर्गत युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा और मजबूत आधार देने हेतु इंग्लिश मीडियम समागम का भी आयोजन होता है। सितंबर के महीने में देश भर के भिन्न भिन्न स्थानों पर इंग्लिश मीडियम समागम आयोजित किए गए। इसी प्रकार ये इंग्लिश मीडियम समागम दिल्ली में भी अनेक स्थानों पर आयोजित किए गए, जिसमें सात संगत के रूप में भरपूर संख्या में युवाओं और बच्चों की उपस्थिति रही। युवाओं और बच्चों ने बड़ी लगन से आध्यात्मिक कार्यों में रुचि दिखाई और विश्वास तथा उत्साह पूर्वक सत्य का संदेश दिया। Since we are very lucky that we are part of this Nirankari mission. Let's give this message to the world that ek ko jano, ek ko mano, ek ho jao, and also that chatra ki nahi, charitra ki puja karo. Today, let us commit this to our Sadhguru Mataji that we would start with once in out of our life and prove this world that na Hindu, na Sikh, Isai, na hum Musliman hai, manavta hai dharm hamara, hum keval insaan hai. We stand together, one in our humanity, for we all come from the Father, we are one family. अगस्त के महीने में अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में निरंकारी परिवार की बहन पंजाब पुलिस की हवलदार रजनी डेनवाल ने एयर राइफल शूटिंग मुकाबले में 4 मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। सितंबर के महीने में रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में पहुंचकर रजनी डेनवाल ने सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। Finally, after having shared the news of the Nirankari Parivar with all of you, it is time to seek farewell till we meet next month on the 10th of November 2017. और अगले महीने तो समागम स्थल पूरे तरीके से सज चुका होगा उन लाखों भक्तों के स्वागत के लिए जो समागम पर आकर प्रेमा भक्ति का जहां बसाएंगे। देश विदेश से पधारे कितने ही महात्माओं के गीत, गजलें, विचार व कविताएं सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी के पावन दर्शन होंगे। वसुधैव कुटुंबकम का एक लघु रूप प्रस्तुत होगा संसार के समक्ष। प्रेमा भक्ति की अनमोल प्रेरणा का ये मंच आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप आ रहे हैं ना? तो मिलते हैं आपसे न्यूज़ डिवाइन के नवंबर अंक में। तब तक इजाज़त दीजिए राकेश को। नमस्कार, धन निरंकार।